ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर इज अ डिसऑनेस्ट डीलर ठीक है हु टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस ठीक है व्हाट डज इट मीन एक एक डिसऑनेस्ट डीलर है या शॉपकीपर है वो कह रहा है भाई साहब जितने का मुझे पड़ा है ठीक है जितने का मुझे सामान पड़ा है मैं आपको उतने का ही बेच रहा हूँ ठीक है ओके okay, जितने का उसने खरीदा फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान ने आ, या किसी शॉपकीपर ने अगर कोई पेन दस रुपए का खरीदा है तो, तो वो कह रहा है भाई साहब मैं आपको दस रुपए का ही बेचूंगा ठीक है ओके okay? ठीक है अब इसको समझिए यहाँ पर ठीक है दिस क्वेश्चन इज इज़ वेरी गुड ठीक है तो आपसे क्या कह रहा है अच्छा आपसे ये भी कह रहा है कि बट यूज अ फॉल्स वेट ठीक है तो उसने क्या करा आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया शॉपकीपर ने उसने एक फॉल्स वेट यूज़ किया आपको लगा वो वन के है लेकिन वो वन के से कम होगा तो आपको लगा कि मुझे वन के मिला लेकिन वो वेट से कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा रहा है ठीक है ओके ठीक है कैसे किस तरीके से मैं आपको बताता हूं एंड दस गेंस ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट भी कमा रहा है फॉर अ किलोग्राम वेट ही यूजेस अ वेट ऑफ और आपसे क्या पूछ रहा है कि एक के के वेट के बदले उसने कितना वेट यूज किया होगा आपको बेफकू बनाने के लिए ठीक है दैट यू हैव टू टेल सेवन हंड्रेड ग्राम सेवन फिफ्टी ग्राम एट ग्राम और एट फिफ्टी ग्राम ठीक है तो बच्चे कह रहे हैं एट हंड्रेड ग्राम एट हंड्रेड ग्राम चलो ठीक है लेट्स लेट्स सी ओके सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ठीक है ये अच्छा सवाल है ठीक है दूसरे सवाल में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अच्छा डिस्टॉनर्ड शॉपकीपर सपोज अगर मैं आपसे ऐसे बोलूँ एक सिचुएशन लूँ मैं सपोज थाउजेंड ग्राम थाउजेंड ग्राम का मतलब होता है वन के जी अगर थाउजेंड ग्राम राइस या कुछ भी या कुछ भी या मैं थाउजेंड ग्राम सैफरन ले रहा हूँ अगर थाउजेंड ग्राम सैफरन थाउजेंड रुपीज़ का है वाई एम टेकिंग सच वैल्यूज ताकि कैलकुलेशन ईजी हो ठीक है अगर थाउजेंड ग्राम थाउजेंड रुपीज़ का है फॉर एग्जाम्पल ठीक है ओके सो आई एम टेकिंग सपोज एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आठ सौ ग्राम मैं ले रहा हूँ आठ सौ ग्राम सपोज चार ऑप्शन में से आई एम टेकिंग एट हंड्रेड ग्राम जो बच्चे कह रहे हैं ठीक है मैं एट हंड्रेड ग्राम ले रहा हूँ तो एट हंड्रेड ग्राम कायदे से कितने का होना चाहिए आठ सौ रुपये का अगर अगर कोई भी सैफरन ठीक है जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं वेट के रिस्पेक्ट में प्राइस बता रहा हूँ और मैंने बड़ा ही इक्वलेंट लिया है वेट और प्राइस ताकि मुझे दिक्कत ना हो कैलकुलेट करने में मैंने आपसे कहा है कि सपोज थाउजेंड ग्राम मतलब वन के जी कोई भी चीज़ वन के जी सैफरन सपोज ठीक है मैंने हज़ार रुपये का लिया तो आठ सौ ग्राम मैं आठ सौ रुपये का लूंगा अब क्या कर रहा है शॉपकीपर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ना शॉपकीपर क्या कर रहा है अब कायदे से देखा जाए तो आठ सौ ग्राम 800 ग्राम जो सैफरन है वो कितने का है वो है आठ सौ का इस चीज को समझिए ठीक है इस चीज़ को समझिए तो ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई शॉपकीपर के लिए लेकिन वो शॉपकीपर 800 ग्राम बेच कितने का रहा है आपको क्योंकि आपको तो पता ही नहीं वो 800 ग्राम है आपसे तो कह रहा है वो वन के है उसने वहां पर फॉल्स वेट यूज़ किया ना आपको वन के का लग रहा है लेकिन है वो एट ग्राम 800 ग्राम येटिंग एट हंड्रेड ग्राम ओनली ठीक है तो आठ ग्राम आपको हजार का बेच रहा है ओके हजार का बेच रहा है ठीक है तो ये तो एसपी हो गई बच्चे कह रहे हैं कि 800 ग्राम इज द राइट आंसर तो ये हो गई। तो एसपी पी होगी तब अब सी पी अब आया आपके पास सेम वेट का तो नाउ यू कैन से अब आपको जो एट एट हंड्रेड रुपीज़ है ये तो सीपी हो गया और जो आठ जो थाउजेंड रुपीज है वो एसपी हो गया ओके अब इस केस में कितना हुआ है प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट विल बी इज इक्वल टू तो प्रॉफिट और प्रॉफिट कितने का हुआ है पूरे दो सौ रुपए का अपॉन सीपी अपॉन सीपी कितना है एट हंड्रेड इन टू हंड्रेड और आप जब इसको कैंसिल करोगे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल ओके सो दिस विल गोइंग टू टू कम होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ठीक है दिस इज कमिंग ट्वेंटी परसेंट सो यू आर ओके इफ इंस्टेड ऑफ हंड्रेड ग्राम ऑफ वेट इफ यूज हंड्रेड ग्राम ओके okay, थाउजेंड ग्राम के बदले अगर वो आठ सौ ग्राम वेट यूज करेगा तो उसको ट्वेंटी गेन कितना चाहिए ट्वेंटी परसेंट ओके अब नेक्स्ट चीज को मैं किस तरीके से लेता हूं अब इसी चीज को सीख कर हम लोग किस तरीके से लेते हैं तो मुझे तो वही निकालना है कि भाई कितना उसको प्रॉफिट मुझे तो प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट के कंटेक्स में निकालना है अब अब कुछ बच्चे 850 ग्राम कर रहे हैं इसको ध्यान से देखिए अब आप तो सपोज़ मैं ऐसे लेता हूँ सपोज x ग्राम सपोज ओके ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ओके इसको समझने की कोशिश करना अब अब मैं एक एक, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ठीक है आई टेक आइल टेक वन एग्ज़ाम्पल ठीक है मैंने क्या करा मैंने अब मैंने आपसे कहा कि सपोज़ जो थाउजेंड ग्राम में मुझे कितना थाउजेंड रुपीज़ का मिल रहा था ओके थाउजेंड ग्राम मुझे थाउजेंड रुपीज़ का मिल रहा था अब कितना ग्राम मैं लूँगा वो तो मुझे पता ही नहीं उसको मैंने एक्स ग्राम ले लिया सपोज़ एक्स ग्राम एक्स ग्राम मुझे कितने रुपीज़ का मिलेगा एक्स रुपीस का मिलेगा ओके एक्स ग्राम मुझे एक्स रुपीस का मिलेगा मुझे ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट चाहिए ठीक है अब ध्यान से देखिए अब उसने क्या करा अब उसने एक्स ग्राम ठीक है अब आप अब उसने आपको एक्स ग्राम आ, कुछ भी दिया सेफ्रन दिया तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होना था वो कायदे से होना था एक्स रुपीज दिस इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस लेकिन वो आपसे एक्स ग्राम के कितने पैसे ले रहा है थाउजेंड ग्राम के हिसाब से ही पैसे ले रहा है आपसे वो वन के तो कितने ले रहा है थाउजेंड रुपीज तो ये हो गया एस डेफिनेटली एक्स कम होगा ठीक है अब यहां से हम निकालते हैं देखो प्रॉफिट परसेंट अब प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट एसपी सीपी आपको पता है प्रॉफिट परसेंट विल बी एसपी माइनस सीपी विच इज नथिंग बट प्रॉफिट दैट विल बी नॉफिटेंट माइनस एक्स अपॉन सीपी पी एक्स इन टू हंड्रेड करूंगा 20%, तो उसको आप ट्वेंटी परसेंट इक्वल इक्वेट कर दो इज इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट और अब आप यहां से एक्स निकालो कितना ग्राम आएगा ठीक है सो दिस विल गोइंग टू कम हाउ मच ओके सो दिस विल बी थाउजेंड माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड हंड्रेड में उस तरफ ले गया विच विल बी नथिंग बट वन अपॉन फाइव क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो फाइव थाउजेंड एक्स माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू एक्स सो दिस विल गोइंग टू कम सिक्स एक्स इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड और दिस विल गोइंग टू कम एक्स इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड अपॉन सिक्स ठीक है ओके okay, और x विल गोइंग टू कम टू से अगर मैं करूंगा डिवाइड तो दिस विल बी टू फाइव जीरो ज़ीरो अपॉन थ्री ग्राम्स इफ आई एल कैलकुलेट दिस इज इन मिक्स फ्रैक्शन ओके अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है तो आपको देखना है कि कितनी वैल्यूज वैल्यू value आ रही है ओके okay? सो so, तो इसको हम टू फाइव ज़ीरो जीरो अपॉन थ्री को मिक्स फ्रैक्शन में निकालते हैं ठीक है टू फाइव ज़ीरो जीरो अपॉन्ट थ्री सो थ्री एंड

जब जब आप वन के के बदले एट थर्टी थ्री वन बाई थ्री ग्राम यूज करेंगे देन इट विल गोइंग कम लक्ष्मी गिरी इज राइट नाउ सो ऑप्शन आर गिवन रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन तो आप ऑप्शन के हिसाब से मत चला करो ठीक है वैसे एंड यू शुड नॉट गो फॉर ऑप्शन ओके सो द ऑप्शन आर रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन ओके सो एट एट थर्टी थ्री वन थ्री Okay.